तो क्या हाल है भाई लोगों? ब्यूटीफुल। तो भाई लोगों, ठंड बहुत है, ठंड से घूम गई मुंडी। और जो भी सिंगल लोंडे हैं वो पकड़ लो सांप की मुंडी। हाँ भाई लोगों, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद या तो आप सांप को मार ही दोगे या तो फिर ये बोलोगे, हाँ मम्मी मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। हाँ मम्मी मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार, अब मैं इस गंदी दुनिया में और नहीं जी सकता मैं। नहीं सही में भाई, जब हम इस उम्र के थे ना, तब हमारे सांप की मुंडी पैंट के जिब में फंस जाया करती थी और हम भागे भागे फिरते थे। और इस निब्बे को देखो, एक साथ दो दो निब्बिया प्रपोज कर रही है। सच में भाई, कभी कभी तो लगता है कि क्या जिंदगी भर हम लोग वर्जिन ही रहेंगे क्या? नहीं सच में भाई, लाइफ में ना बंदी है ना निब्बी और ना ही कोई चितकबरी। फिर भी घर वाले समझाते हैं लड़की से दूर रहा कर। कल पापा मुझे समझा रहे थे लड़कियों से दूर रहने के लिए, उनको ये नहीं मालूम कि लड़कियां मुझसे दूर रहती हैं। और भाई, एक तो हम प्योर गरीब और इतने गरीब की पीली रेखा से भी नीचे आते हैं, क्योंकि हम खानदानी गरीब हैं। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब, सातों पुश्ता गरीब। ऊपर से इन लड़कियों को पैसे वाले बंदे चाहिए, फिर चाहे वो 35 साल का हो या 40 साल का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक साइड पे 20-22 साल का बच्चा लड़का जिसके पास पैसे वगैरह कुछ भी नहीं है, एक साइड पे 35 से 40 साल का बाबा कर ले जिसके सर पे बाल नहीं है, बड़ी बड़ी मूंछ है, लेकिन उसके पास पैसे बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर आपको दोनों तरह से प्रपोजल आए तो शादी किसे एक्सेप्ट करेंगे? अच्छा मतलब 22 साल वाला गरीब होगा? हाँ 22 साल वाला। ठीक है, मैं जो है ना, फिर देखिए गरीबी में वक्त नहीं गुजरता आजकल, तो मैं जो है ना 35 साल की तरह ही जाऊंगी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अरे कहाँ जाऊँ पैसा कमाने के लिए, इधर बैंकेट हॉल में दिहाड़ी लगाऊं या इस होटल में दिहाड़ी लगाऊं या फिर ये कूड़ा साफ करूं या फिर इस मॉल के अंदर जो है लेटरिन बाथरूम साफ करूं। नहीं सच में भाई, कहां जाए पैसे कमाने। सही में भाई, अब वो दिन दूर नहीं जब इन लड़कियों के चक्कर में हम सिंगल लोंडो को गोल चक्कर में तेल चटाई लेकर गुल्लक फुड़वाना होगा। और साले एक हम सिंगल लोंडे हैं, अगर कोई गलती से पूछ ले आपको कैसी लड़की चाहिए तो हमारा एक ही जवाब होता है, लड़की होनी चाहिए और जिंदा होनी चाहिए और बस बाकी मौला देख ले। अरे बस कर, बुलाएगा क्या? हाँ हमें नहीं चाहिए भाई पैसे, हमें नहीं चाहिए वो विश्व सुंदरी, बस एक लड़की चाहिए वो भी जिंदा। फिर भी हमें लड़की नहीं मिलेगी भाई, यही वजह है भाई कि मैं 28 साल का हो गया हूँ भाई, लड़की को आज तक छुआ तक नहीं हूँ। पर भाई हमारा दुख कौन समझेगा? तो भाई लोगों, जितने भी सिंगल लोंडे हैं उन सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, तुम औरत का सुख तो नहीं दे सकते पर लेजी गेमर को तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना यार। आप लोगों के लिए इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, ऐसा नहीं कि सब लड़कियों को पैसे वाला ही चाहिए, कुछ लड़कियों को हम जैसे नल्ले बेरोजगार भी चलेगा। शादी के बाद अब बिहार में रहना चाहेंगे या बिहार से बाहर? क्या बोलूं मैं, बिहार में ही? और लड़का क्या, बिजनेसमैन, प्राइवेट जॉब या बेरोजगार चलेगा? बेरोजगार चलेगा भाई। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ओह यार यार, ये कितनी औसम है यार। नहीं सच में यार, कितनी औसम है यार ये। और सच में बाबू, हम तो शुद्ध खानदानी बेरोजगार हैं। मेरे पापा बेरोजगार, मेरे दादा बेरोजगार, मेरे दादा के दादा बेरोजगार, और हमारा तो काम ही है बेरोजगारी का बाबू। तो इस हिसाब से मैं आपके लिए फिट हूँ ना? नहीं। और भाई, जहाँ बाकी बंदे अपने बाबू सोना के साथ प्यार जता रहे हैं, वही हम सिंगल लोंडे If you leave them, baby, let me down slowly.
अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार, तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? बताओ साला, कोई इज्जत नहीं भाई। साला एक कुकर का ढक्कन तक नहीं खुल रहा है, इतने सारे बंदे लगे हैं फिर भी। बस भाई यही इज्जत है हम सिंगल लोंडो की। सच में भाई, जहाँ बाकी कपल्स अपने लाइफ पार्टनर के गले में मंगलसूत्र बांध रहे हैं, वहीं हम सिंगल लोंडे। बताओ साला, सपने में भी हम सिंगल लोंडे मंगलसूत्र के जगह नाड़ा बांध रहे हैं भाई। भाई यही वजह है कि सिंगल लोंडे सपने देखने से अच्छा सांप मारना पसंद करते हैं। और वैसे भी सिंगल लोंडा सांप ना मारे तो करे क्या। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही फॉलो करें झटपट ज्ञान के इंस्टा हैंडल को। और हाँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट लेजी गेमर को भी दिखा दें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।